नमस्कार, ओएचई सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेलल ग्रुप्ड क्लैंप के बारे में जानेंगे, जिसे हम शॉर्ट में पीजी भी कहते हैं। आप जानते हैं पैरेलल ग्रुप क्लैंप, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे हैं पैरेलल ग्रुप क्लैंप, सबका अपना रेलवे आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। और इससे पहले मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पैरेलल ग्रुप क्लैंप का उपयोग कहाँ होता है। इसका यूज़ जम्पर को दूसरे वायर से कनेक्ट करने के लिए होता है। जब भी हम जम्पर को किसी भी वायर से कनेक्ट करते हैं तो हम पैरेलल ग्रुप क्लैंप का यूज़ करते हैं, और जब भी हमें जम्पर को किसी डिवाइस से कनेक्ट करना होगा तो हम टर्मिनल कनेक्टर यूज़ करेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे पैरेलल ग्रुप क्लैंप की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले पैरेलल ग्रुप क्लैंप कैसे होता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स मिल के बना होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ काफ़ी सारे हैं, मैं एक लेके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है 1051-3। ये एक पीजी है, और जब इसमें हम नट बोल्ट लगा देते हैं तो इसका आरआई नंबर हो जाएगा क्या 1050-3 विथ फास्ट नट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका असेंबलिंग कैसा, इसमें क्या क्या मिला हो स्ट्रक्चर, मतलब क्या क्या हम इसमें पार्ट्स लगाते हैं। पैरेलल ग्रुप क्लैंप दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दोनों का आर आई नंबर सेम होता है 10, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1051-3, इसमें भी है 1051-3। उसी तरह अलग अलग पीजी आप देखेंगे तो सबके दोनों पार्ट में आर आई सेम रहता है, ठीक है। ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसमें ग्रूव है जिसमें हम जम्पर लगाते हैं या कोई भी वायर अटैच करते हैं तो उसके लिए इसमें ग्रूव बना हुआ है। ये आप देख लीजिए ग्रुप बना हुआ है। अब इसके साथ, और चूँकि दोनों ग्रुप पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए हम इसे पैरेलल ग्रुप क्लैंप कहते हैं, और क्लैंपिंग के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें हम एसएस बोल्ट यूज़ करते हैं। ये एसएस बोल्ट आपका 16x50x38 1650x38 एसएस बोल्ट हम यूज़ करते हैं। ये बोल्ट लगा दिए, इसके साथ हम फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग वॉशर यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग वॉशर है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग वॉशर, और ऊपर से हम 16mm का जो है नट यूज़ करते हैं। ये आपका पीजी, उसी अलग अनुसार अलग अलग पीजी हैं हमारे पास। ये आप देख रहे हैं 1030-3, वैसे हैं 1031-2, 41-2, 41-3 भी होता है, उसी तरह है 6171 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1051-3, ये 2 भी होता है। अलग अलग पीजी है, सबका यूज़ अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे कुछ एक का यूज़ दिखा रहा हूँ, कि जैसे कि सबसे पहले हम इसी का ही देखते हैं। ये है आपका 1051-3 पीजी। इस पीजी, ये पीजी जो बना हुआ होता है, ये इसका मटेरियल टीन ब्रॉन्ज है, पीजी का मटेरियल टीन ब्रॉन्ज होता है, और जो इसमें वॉशर है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज है, और ये स्टेनलेस स्टील का बोल्ट और नट है। टीन ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, इससे मिलके ये कंप्लीट होता है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 1051-3 का। जब फास्ट नट लग गया तो क्या हो गया 1050-3। इसका उपयोग ड्रॉप जम्पर को जब हम फीडर वायर से कनेक्ट करते हैं वहाँ होता है, जहाँ पे भी क्रॉस फीडर मतलब कि 160 square mm और 150 square mm को कनेक्ट करना होगा तो हम इस पीजी का यूज़ करेंगे। तो इस पीजी में आप जैसे एक मैं जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये जो है आप देख सकते हैं 160 square mm वायर है, तो इसके जो मोटा ग्रूव है उसमें हम ये वायर लगाएंगे, और ये हमारे पास 150 square mm फीडर वायर है, और दूसरे ग्रूव में हम ये लगाएं, और इसके ऊपर हम ये क्लैंप लगाएं, इसका बड़ा ग्रूव इसमें लगेगा और छोटा ग्रूव इसमें लगेगा, ऊपर से हम फास्ट नट लगाएं और इसे हम टाइट कर दिए। तो इस तरह से पीजी काम करता है। आप देख सकते हैं पैरेलल ग्रुप क्लैंप अटैच कर दिया इसे, तो ये तरीका है इसका अटैच कर, और ग्रुप क्योंकि पैरेलल है इसलिए दोनों वायर भी इसमें पैरेलल अटैच हो। तो ये हो गया आपका 1051-3। उसी तरह अलग अलग है, जैसे कि
ये है आपका 1031-3, उसी तरह है आपके पास 1031-2। तो 1031-2 का हम लोग कहाँ करते हैं, जब जी जम्पर हमको अटैच करना होता है कैटनरी वायर से या कॉन्टैक्ट वायर से, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे आप अलग रखिए। इसका ग्रूव में जैसे जी जम्पर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ये आपका 105 square mm वायर है, जी जम्पर वायर है, तो इस ग्रूव में हम इसे फंसाए। और दूसरे वायर में मैंने क्या बोला, कैटनरी वायर को हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक कैटनरी वायर भी है, तो यहाँ दूसरे ग्रूव में कैटनरी वायर दिए, फिर ऊपर से पीजी आपने स्प्रिंग वॉशर दिया और टाइट कर दिया, ये हो गया। ये 1031-2 जी जम्पर के साथ लगता है, तो इस पीजी का हम लोग यूज़ करते हैं। ये कैटनरी वायर है 65 square mm। वहीं अगर हम स्टील वायर के साथ जी जम्पर अटैच करेंगे, तो स्टील वायर के साथ जब जी जम्पर अटैच करेंगे तो हम -3 का पीजी लगाएंगे। और ये देखिए, जब हम सी जम्पर लगाते हैं तो हम 1041-2 का पीजी यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पीजी में यहाँ एक ग्रुप्ड कटा हुआ, ये ग्रुप कटा हुआ है, ये ग्रुप कटा होता है कॉन्टैक्ट वायर में फिट होने के लिए। इसे मैं लगा के दिखाता हूँ, जब कॉन्टैक्ट वायर में कैसे लगाते हैं इसे। ये वायर आप देख रहे हैं, ये सी जम्पर वायर है, स्मॉल जम्पर वायर, तो ये इसमें लग जाएगा। और दूसरा एंड में हमको कहाँ लगाना है, कॉन्टैक्ट वायर के ग्रूव में लगाना। तो ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट वायर का बार है जिसमें ग्रूव दिख रहा है आपको, तो इसे हम लगाते हैं कैसे, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो मैं ग्रूव दिखा रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये कटा हुआ जो था वो इसके कॉन्टैक्ट के ग्रूव में परफेक्टली फिट हो गया। इसलिए इसका पीजी का ये दूसरा पार्ट जो होता है, जो भी हम कॉन्टैक्ट ग्रूव के साथ लगाते हैं, वो कटा हुआ होता है। जबकि दूसरा साइड आप देखें तो ये क्या होता है, फ्लैट होता है, क्योंकि यहाँ पे वायर इसके इनसाइड से पास करे और ये कॉन्टैक्ट ग्रूव में जाकर फंसे। तो ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ पीजी देखें। और ये एक और पीजी बच गया आपको बताने के लिए, ये पीजी है 6171। ये एडजस्टेबल ड्रॉपर में लगता है, जब सेक्शन इंसुलेटर असेंबली हम लगाते हैं तो उसमें एडजस्टेबल ड्रॉपर लगता है, और एडजस्टेबल ड्रॉपर में ये पीजी हमारा लगता है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ड्रॉपर वायर भी है, तो नहीं, एक ही ड्रॉपर वायर है, तो इस ड्रॉपर वायर में हम देखते हैं पीजी कैसे लगाते हैं। एडजस्टेबल ड्रॉपर, यहाँ पे ड्रॉपर डालें, इधर भी ड्रॉपर देंगे दूसरे स्लॉट में, हमारे पास एक ही ड्रॉपर इसलिए मैं एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे स्लॉट में भी डालेंगे और इसे भी फिट कर देंगे। तो इस तरह ये पीजी भी लगता है एडजस्टेबल ड्रॉपर में। तो आपने देखा कि 6170 कैसे लगाते हैं, 1040-2 पीजी, ये आप देखें 1030-2 पीजी, और उसी तरह आपने देखा 1050-3 पीजी, और ये जी जम्पर टू स्टील वायर, ये आपका स्टील वायर है आप देख सकते हैं। ये एंटी क्रिप में यूज़ होता है, लेकिन अभी एंटी क्रिप में भी हम कैटनरी वायर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम स्टील वायर यूज़ करेंगे तो हमें ये पीजी यूज़ करना है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप पैरेलल ग्रुप क्लैंप के बारे में जान गए होंगे। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पर आप लोग वीडियो बनाने बोल रहे हैं, जैसे सेक्शन इंसुलेटर असेंबली।